हमर खेती का भी घर निवेदन कर अपन भाई आपो आपो आओ आओ पंद्रह सौ मिलते सियान मन मन बताओ कोई भी नहीं बचीस समाज के सियान मन नहीं बची नौजवान नहीं बची लड़का मन नहीं बची सब लठगे सरकार ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल ने ठगा ऐसे भ्रष्टाचार करने वाली ये सरकार नहीं बन सके ये माहौल पूरा छत्तीसगढ़ के हो गए भाई बहनी मन हो और आज देख लो कानून कायदा का कोई चीज यहाँ पर नहीं है हमारे बुजुर्ग मल्ला आश्वासन दे रही से 1500 रुपया पेंशन लेकर पिछले बार मित्रों आप प्रेस के हैं पिछली बार भी सरकार ने कहा था हम कर्जा माफी करेंगे आप पता कर लीजिए कोऑपरेटिव बैंक के अलावा एक भी सरकारी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्जा माफ हुआ है क्या एक भी और एक किसान का भी हुआ है तो बताइए बोले तो ये भी थे हम बुजुर्गों को 1500 पेंशन देंगे युवाओं को 2500 रुपये भत्ता देंगे कहा तो ये भी था माता बहनी कहेंगे शराबबंदी होंगे अरे भाई सूपा तो सूपा चलनी बोले जिसमें 72 छेदा 36 वादा करके 32 वादा को पूरा नहीं करने वाली है झूठों की सरकार मक्कारों की सरकार नौजवान किसान बुजुर्ग कोई नहीं बचा जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस सरकार ने ठगा सबको मिठाई चाय पिलाओ चाय तो बीजेपी वाले को पता नहीं उनको ये पता नहीं होगा कि उनके खेत के उनके कर्जा कितना था वो माफ हुआ है कितना समर्थन मूल्य सबसे ज़्यादा तो बीजेपी वालों का क्योंकि हमारे जो राजधानी में हमारे राज्य में जो सब मंत्री लोग थे उनके कितने बड़े बड़े किसान हैं उन लोग सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग का कर्जा माफ हुआ है सबसे ज़्यादा वही लोग समर्थन मूल्य में धान बेचे पर बीजेपी ऊपर आप लोग को बोल रहे हैं अंदर बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ही आए ताकि फिर से कर्जा माफ हो हम लोग ठगने का काम नहीं करते हम लोग सच्चाई जो है शासन ने जो किया है उसी बात को लोगों तक रखते हैं और उसी बात को हम लोग बोलते हैं और आज जनता समझ भी रही है कि कांग्रेस ने जो किया है उसको जो बोला है उसको किया है और आगे भी जो बोलेंगे उसको करेंगे और जनता अभी से इतना उत्साह और दिवाली जैसा माहौल कल मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद दिवाली जैसा माहौल पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है किसान लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी लोग आप लोग घर में भी बैठोगे तो आप जीत के आओगे और फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाओगे ये हमारे किसान भाई लोग की सोच है और छत्तीसगढ़ हमारा किसान प्रधान प्रदेश है और जो किसान हित में चाहेगा जो किसान के बारे में सोचेंगे वही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार बनाएंगे बीजेपी वाले क्या बोलेंगे इन लोग तो उद्योगपतियों के सरकार हैं 12,000 करोड़ जो है वो उद्योगपतियों का माफ़ करते हैं तो इसमें लोग को समझ आएगा ना कि कौन किसान के हितैषी है और कौन किसान के विरोधी है तो हमारे छत्तीसगढ़ के सारे किसान भाई बहुत खुश हैं और इस बार हम लोग दिवाली भी ज़ोर शोर से मनाएंगे इस समय भी जो हमारा दबदबा है वो बरकरार रहेगा क्योंकि हमारे कार्यकर्ता की हिम्मत है हमारे कार्यकर्ता की मनोबल है हमारे मतदाताओं की आशीर्वाद है हर चीज़ से हम लोग पॉजिटिव हैं इसलिए अभी भी हम लोग पूरे जिला में तीनों विधानसभा से विधायक चुन के प्रदेश में जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार बनाएंगे।